हेलो बच्चों, आज की गणित की क्लास में हम सीखेंगे जमा। जमा को जोड़ भी कहते हैं और यह जमा का निशान है। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको हम हल करेंगे। करते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ कितने स्माइली बने हुए हैं? 6। नीचे कितनी बनी हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 यानी कि क्या करना है, जमा का निशान है तो हमें ऊपर वाले स्माइली को नीचे वाले स्माइली के साथ जोड़ना है। यानी कि 6 जो स्माइली हैं उन 6 स्माइलियों को 5 स्माइली के साथ जोड़ना है। अब इनको जोड़ के देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 6 और 5 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 11। ऐसे ही आगे के दिए गए सवालों को हम करेंगे। 1, 2, 3, 4 कितने आइसक्रीम है? 4। 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 और 4 को हमें जोड़ना है। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है और लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आया? 8। और हम 8 लिख देंगे अगला। 1, 2, 3, 4, 5 पाँच सेव हैं। 1, 2, 3 तीन सेव हैं। अब इनको जोड़ेंगे कि कितने सेव हो जाएंगे कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे? 8। यानी यहाँ भी 5 सेव हैं और 3 सेव हैं। इन सेवों को जोड़ा हमने तो कितने हो गए? 8 सेव। और 8 हम लिख देंगे यहाँ। 1, 2, 3, 4 एक, चार और एक को हमें जोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 और एक को जोड़ा तो कितने हो गए? 5। 1, 2, 3, 3 एक, एक यानी 3 और एक को जोड़ना है। 1, 2, 3, 4 यानी कि 3 बत्तख और एक बत्तख को और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 4 बत्तख यानी 3 और एक जोड़ा तो कितने हो गए? 4। 1, 2, 2 यानी कि 2 और 2 को हमें जोड़ना है। पत्तों को जोड़ते हैं कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 यानी कि 2 पत्तों और 2 पत्तों को हमने जोड़ा तो टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे? 4 पत्ते। 4 लिख दिया। तो बच्चों, जैसे मैंने इन सवालों को यहाँ किया है ऐसे ही सवाल आपके वर्कबुक में दिया गया है। आप इस वीडियो को देखिए और उन सवालों को करिए। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।